गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम हिंदी कक्षा में आपकी पाठ्यपुस्तिका का पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 4 का शीर्षक है घटा घिरी झूम के। बच्चों, बरसात का मौसम आ गया है ना। बरसात में क्या होता है, चारों तरफ घटाएं छा जाती हैं और उसके बाद में बरसात होती है। गर्मी में हम धूप, गर्मी, धूल, इन सब से बहुत परेशान हो जाते हैं, तो बरसात हमें राहत देती है और हम सबको बरसात बहुत अच्छी लगती है। कवि ने इस कविता में घटाओं के घिर घिर आने का, उसकी मस्ती और धूम मचाने का मनोहारे चित्रण किया है। तो बच्चों, आओ मेरे साथ आप इस कविता के प्रथम 3 पद्य को पढ़ो। आई है पर्वत के शिखरों को चूम के, घटा घिरी झूम के, बादल के पंखों पर इसका अधिकार है, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है, हवा और बूंदों की इस पर भरमार है, साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के, घटा घिरी झूम के। आपको ये अच्छी लगी ना पंक्तियाँ? बच्चों, जब पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, बादल बन जाता है और जाकर पर्वतों से टकराता है, तो ठंडा होकर बारिश के रूप में हमें फिर से मिल जाता है। इसीलिए कवि ने कहा है, पर्वत के शिखरों को आई है चूम के, घटा घिरी झूम के। जब बरसात होती है तो हमें बादल, बिजली की गड़गड़ाहट, बादल की गर्जन सब सुनाई देती है ना। इसीलिए कह रहा है कि बादल के पंखों पर इसका अधिकार है, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है, हवा और बूंदों की इस पर भरमार है। अगर हवा नहीं चलेगी, बूंदें नहीं पड़ेंगी, तो बरसात कैसे होगी? और ये सब चीज़ें, हवा, बिजली, बादल, ये सब घटा के साथी हैं। इसका मतलब जब बरसात होती है तो ये सब हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के, घटा घिरी झूम के।